नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज तक। कौशाम्बी जिले के चायल क्षेत्र से आई एक बुरी खबर। फेल होने के डर से तिलापुर मोड़ के इंटर के छात्र ने फांसी लगा कर दी जान। ज्ञात हो कौशाम्बी जिले के तिलापुर मोड़ निवासी राकेश बाबू वर्मा अपने घर पर ही ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। उनका पुत्र हिमांशु वर्मा ने इस वर्ष इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया था, साथ ही कोटा में रहकर IIT की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन होने के समय वह घर आ गया था और अपने घर पर ही ऊपर बने एक कमरे में 14 दिन तक क्वारंटाइन था। लेकिन क्वारंटाइन का समय पूरा हो जाने के बाद भी वह लगातार गुमसुम बना रहता था और रिजल्ट आने की पूर्व संध्या पर उसने खाना खाने के बाद फांसी लगा ली, जिसकी सूचना परिजनों को प्रातःकाल हुई। मौके पर हुई जांच में पुलिस को छात्र का एक सुसाइड नोट और उसके मोबाइल में लगभग 12 मिनट का एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ है, जिस पर पिपरी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। छात्र के कमरे से प्राप्त हुए प्रारंभिक सबूतों के आधार पर फिलहाल छात्र के द्वारा परीक्षा परिणाम को लेकर भय के कारण आत्महत्या का मामला समझ में आ रहा है, जिसके विषय में विस्तृत जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। खबरों के अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।